What is up, crazy people out there? This is Abhiru. Welcome to the vlog. तो आज मेरा आवाज़ थोड़ा सा भारी लग रहा है क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी खराश है. I guess ये सबके साथ ही हो रहा है ये दिनों में. तो yes, make sure you are safe और आप अपनी treatment सही से करो. अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं कुछ चीज़ लेने को, कुछ आ रहा है. एंड घर पे बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है. इट्स माई न्यू पेट या आगे में क्या है वो क्या नहीं, वो आपको थोड़ा आगे सस्पेंस में रख के ही बताऊँगा. और अभी हो रहे हैं 8:47 सैटरडे. सो लेट्स गो और फटाफट जाके कलेक्ट करते हैं अपने पार्सल को. पीस आउट गाइस. पहले जाके इधर तो कुछ में अनबॉक्स करके देखते हैं यार. चलो. सो अभी फिलहाल हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या है अंदर, और मतलब क्या है, मतलब पता है क्या है पर वो कैसा है, सही है या नहीं. चाबी से ही अनबॉक्स करते हैं ऊपर एकदम. बहुत अच्छी पैकिंग की है. मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि इधर से आया है क्या, आया है क्या, है क्या नहीं है. बहुत अच्छी पैकिंग लग रही है. थोड़ा सा पानी भी दिख रहा है अंदर. एंड हियर इज द ब्यूटी. इसको थोड़ा रखेगा साइड में. थैंक यू. क्या एक्साइटेड हो भी? मैं भी एक्साइटेड है. मैं भी एक्साइटेड हूँ. Just look at this guy, dude. He musked a little bit on me. Bro, ye dekh shine. So guys, this is our new red snake. It's a 3 white lip python. It's a white lip python. Bahut zyada beautiful sap. It is this long. Woo! अब इसको अपन थोड़ा ये देखते हैं सनलाइट में. कैन यू गाइस सी दिस साइन? लुक एट दैट हेड डूड. ओ माय फकिंग गॉड. ओके, तो मैंने अभी उसको सिद्धार्थ भाई को जस्ट दिखाया है. एंड इट इज फीनिक्स राइट नाउ. माय मॉम डैड स्टिल डजंट नो. मैं इसके लिए जब भी एनक्लोजर बना रहा था, एनक्लोजर का काम 2-3 दिन से चालू है. और मम्मा का थोड़ा सा डाउट आया था, बट उसको ऐसा लगा कि मैं वो इंची के लिए बना रहा हूँ, तो वो नहीं है. और चंदू भी आपके तो मैं कैमरा था, चंदू के पास मम डैड जस्ट उठे हैं और वो लोग चाय पी रहे होंगे. तो मैं इनको जाके पहले देखा था, देखते क्या होता है. ये बार तो मैं सच में घर से बाहर जाने वाला हूँ. ये बार मेरे को जायदाद से बेदखल कर रहे हैं. कसम से भाई, है ना फिनू? फिनू भी सोच में. लेट्स गो. चले चलो.
सरप्राइज फिनु को हटा ना दूर तो छान पण घर ठेवणार कुठे इंडियामध्ये फक्त तीन चार लोकांकडेच आहे त्याला बोलतात व्हाईट लिप पाहिजे व्हाईट लिप हा त्याचा ओल्ड बघ ना लिप व्हाईट असतो बघितलास तो उसको दूर रख तो बघितलास त्याचा मेन आहार पक्षीच आहे तो त्याला खायला हा आर्बोरियल पाहिजे आणि झाडावर ते राहतो पकडून रेम्बो देखा रेम्बो आपल्या इंची कसं आहे मंद मंद त्याला उन्हात नेलं ना त्याच्या अंगाला जे कलर आहे ना शाईन एकदम रेनबो सारखं होत केनू तू लांब राह तुला जर खाऊन टाकणार हॅलो ठीक आहे डिअर वेलकम मी तुला त्यासाठी विचारत होतो त्या दिवशी तू ते काय ताट वगैरे काय बनवायचं असत नाही लोक बोलतात अग्रेसिव्ह असतो आणल्यापासून एकदा पण दिसतो ना त्याचा अग्रेसिव्हनेस तुला बोलले नाही आपण केवढा असा येतो शिकेली शिकेली हा तेच तो थोडा स्ट्रेस झाला खूप ट्रॅव्हल केलंय त्याने सिद्धार्थ घेऊन आला आता सकाळी गेलेलो मी तुम्ही काहीच बोलत नाही काय हो हे सगळ्यांना घरात आणून ठेवल्यावर जोर बसणार कुठे तुलो पिनो जवळ गेला की गेला पण ठेवणार कुठे रे तू तो बॉक्स यासाठीच बनवला एकदम वेडा मुलगा आहे ना हा नंतर गावी जा तू जा पाठ बनवायला पाठ पण आणायला जा तू पण जा दादा बरोबर तुम्ही सगळे तिकडेच बरे लास्ट रॉंग मी बोले की पनवे जाने का आपले बोलले गाव जाने का और कुछ लॉंग आता बोले की धरती छोड़ के चले जाए उसके वजह से सब लोग को पता चल गया था कि आप लोग का पनवेल में भी एक घर है हम लोग रहते नहीं है ड्रीम्स ने क्या माझा सर आता मी त्याला थोडासा हे करतो
हायड्रेट करण्यासाठी, कारण त्यांनी ट्रॅव्हल केलं ना, थोडं कोमट पाण्यामध्ये जरा ठेवायचं असतं. तू चहाकडे जातो. So I kept her for some time. You can see this rainbow. Oh my god, just look at these things. Also on her head. You can see this rainbow rule. It is crazy. So this is, I gave her some little warm water soak. That is very much required for her. She is hissing currently. So I'll take her out now. She got a little hurt on her face right here because while she was traveling. I'll explain you this later, but right now let's just take her out. And this is not a big deal, like it can be, it is like it can be done easily, it can be get well very easily after 2-3 molts. So yeah, let's just take her out. ओके गाइस, सो आप लोग ने इसको देखा ही होगा बहुत अच्छी तरीके से. सो बेसिकली दिस इज़ एन वाइट लिप्ड पाइथन. हाँ, इसे वाइट लिप इसके बोलते हैं कि इसकी जो लिप्स है वो वाइट होती है, शक्ल के बाजू में वाइट कलर का एक स्ट्राइप्स वगैरह रहते हैं. तो इसके वजह से इसे वाइट लिप पाइथन बोल सकते हैं. और इसके ऊपर का आप कलरेशन देख ही सकते हैं, इसके ऊपर फुल रेनबो कलरेशन आते हैं. सो दिस इज़ अ नॉन वेनमस स्नेक. ये एक पाइथन की प्रजाति है, यूजली पेड़ों पर रहना पसंद करती है. न्यू गिनी से बिलोंग करती है ये, न्यू गिनी आइलैंड से. और बहुत ज़्यादा कूल है, मतलब टेल मी व्हाट यू थिंक. उसके कलरेशन, उसका जो रेनबो कलर जो आता है उसके बॉडी के ऊपर, इट इज़ समथिंग एल्स. मतलब मैजिक है ब्रो, मैजिक. ऐसा लग रहा है कि देखो ना, मतलब कुछ मैजिक को ही फील कर रहा हूँ मैं. सो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. और अभी फ़िलहाल तो ये शेड में जाएगी, एंड इसका मैंने एक बहुत सही सा एनक्लोजर भी बनाया है फ़िलहाल. तो मैं एनक्लोजर के बारे में भी आपको दिखाऊँगा कैसे क्या है. एनक्लोजर बनाने को भी बहुत फटे टाइम गया. सो बहुत चीज़ें हम लोग ने DIY की है, एंड एक बेस्ट वाइवेरियम सेटअप किया है जिसके अंदर बायो एक्टिव है उसका. इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल्स आगे जाके देता हूँ कैसे क्या है. तो यस, इस इज़ अ नॉन वेनमस स्नेक और ये अपने साथ रहने वाला है. ये बढ़ता है 6 से 7 फुट. अभी ये होगा हार्डली 4-4.5 फुट का, 4-5 फुट का है शायद. ये फीमेल है, मैंने अभी तक इसका खुद से जेंडर चेक नहीं किया है, बट मैं देखूंगा. एंड आई गेस दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम यू गाइस हैव बीन सीइंग अ रेनबो स्नेक इन इंडिया इन मुंबई. सो वी आर द फर्स्ट वन टू गेट अ वाइट लिप्ड पाइथन ऑन यूट्यूब, बहुत अच्छी तरीके ऑन इंडियन यूट्यूब मीडिया. सो यस, दिस इज, सजेस्ट मी सम कूल नेम्स. मेरे को इसके बारे में अच्छे से अच्छे नाम बताओ. मैं सोच रहा हूँ इसका नाम कुछ अलग रखने का, कुछ फैंसी रखने का, कुछ ऐसा बहुत गॉडी नेम रखने का, बट कुछ मिल नहीं रहा है. सो प्लीज़ सजेस्ट मी. एंड ये थोड़े से किंकी होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव होते हैं. सो अभी तक तो इसने स्ट्राइक वगैरह ज़्यादा कुछ किया नहीं है. हाँ, एक दो बार बस अटैम्प्ट किया था बाइट करने का, बट आई गेस वो बहुत स्ट्रेस से आई थी, बहुत ट्रैवल करके आई, तो इसके वजह से शायद वो वैसी होगी. बट बाकी सब बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ब्यूटीफुल है. आप लोग ने इसके सिनेमैटिक्स तो देखी होगी. दे आर सेरमी आर्बोरियल.
इसका मतलब कि ये लोग पेड़ों के ऊपर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ज़मीन पे भी आते हैं। फीडिंग के अंदर ये लोग पंछियों को खाते हैं, चूहों को खाते हैं, मतलब स्मॉल रोडेंट्स हो गए या बर्ड्स हो गए। इनका फीडिंग बहुत ज़्यादा वास्ट है, सब कुछ खा सकते हैं ये। या लेट जस्ट गो अभी एंड गिव हर सम रेस्ट एंड आगे मिलते हैं। इसका आपको जो सेटअप किया है, जो वाइवेरियम का सेटअप किया है, वो आपको आके बताता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। All right guys, so this is how the setup looks. So basically it's a tank, not a tank, it's a box wooden, जिसको एक sliding दो glasses है, ऊपर से open करने के लिए भी जगह है यहाँ से, ठीक है। It is the plant light and here is our beauty. Look how beautiful it looks inside. ऐसे बहुत ज़्यादा फटेगा क्या द रेनबो। अभी भी शी इज रेस्टिंग राइट नाउ एंड दिस इज हाउ द टैंक लुक बेसिकली। देयर आर सम लाइव प्लांट्स, सम स्पैग्नम मॉस, दिस इज ऑल द स्पैग्नम मॉस। एक ये सब, दिस इज ऑल रियल वुड, सब वुड है। ये थोड़ा डेक करके मैंने जो बार्क्स है सूखे हुए वो डालो। सबस्ट्रेट में मेरे पास है कोकोपीड एंड स्पैग्नम मॉस अगेन। दिस इज अ प्लांट, आई डोंट नो व्हिच प्लांट इट इज, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा सही लगा और डेंस लगा, तो आई थॉट ऑफ कीपिंग इट इनसाइड। एंड अगेन इट हैज सम पर्चर जिसके ऊपर ये क्लाइंब वगैरह करेगा। सो दिस इज हाउ द सेटअप इज। इसके ऊपर भी एक अच्छी से वीडियो बना सकता हूँ अगर आपको वाइवेरियम्स के ऊपर बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक DIY वाइवेरियम्स बनाने हैं, तो आई कैन श्योरली लेट यू नो। सो ये एक सेमी ट्रॉपिकल जैसे मैंने प्लांट किया है ना, आई गेस ये वर्क कर रहा है। सो आई होप ये सब प्लांट्स वगैरह अच्छे से ग्रो करे, बिकॉज लाइटिंग वगैरह मैंने प्लांटेशन लाइट यूज़ करी है एंड इट लुक्स प्रेटी सिक राइट। इट लुक्स प्रेटी सिक। ये थोड़ा ग्लास थोड़ा सा डस्टी हो गया, वो मैं क्लियर अप कर लूँगा बाद में, बट जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। इज जस्ट चिलिंग इन, शी इज चिलिंग इन एंड I guess she loves it. So it's on my wall. यहाँ पे ऐसे it's on the wall. और यहाँ पे सब ऐसे भाई लोग बैठे रहते हैं, so it's right here. Sorry, out of focus. Yeah, so it's right here. And yes, it looks really cool. मैं आपको ये बंद करके बताता हूँ, एक सेकेंड। So light बंद करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखता है, real cool right? Looks real cool. She's sitting right there. All right guys, so I guess this is it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, और कमेंट करके बताओ कि आपको अपनी नई मेंबर कैसी लग रही है। सो अगर आपको कुछ डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो कुछ भी रिगार्डिंग द इनक्लोजर, रिगार्डिंग द स्नेक, क्या नहीं, जो भी रहेगा कमेंट करके पूछो। इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। मेक श्योर यू गो एंड फॉलो मी देयर, बिकॉज इसके क्रेजी अपडेट्स, क्रेजी फीडिंग वीडियोस, क्रेजी छोटे छोटे मूवमेंट्स जो ये अभी हरकतें इसके अंदर करेगी, वो मैं वहाँ पर डालूंगा। सो देखना, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर आपको ज़रूर करना है। एंड व्हाट मोर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, दिस इज़ अभिरूप एंड इसका नाम भी तो अलग रखा नहीं है जो कि आपको ही रखने का है। सो सच इज़ द नेम्स, वी बोथ साइन इन आउट।